हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लेके आए ग्रे नारो का X13 Pro, जो कि माइक है जो कि फ़ोन से कनेक्ट होंगे। हम इसको आईफोन में कनेक्ट करके देखेंगे, इसकी रिव्यू पूरा आप लोगों को देना चाहेंगे कि किस तरह से काम करता है, जो भी इसका प्राइस है आप लोगों के सामने शो करेंगे। ये हमने अभी ब्लू कलर में अमेजोन से परचेज किया है, जो कि हमें 2,250 रुपये का अमेजोन से पड़ा है। इसको अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, और उसके बाद जैसे अभी हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है वो सिंपल फ़ोन से हो रही है, उसके बाद इसके चेक करेंगे कि कितना इसमें फ़र्क पड़ता है, कितना नहीं पड़ता, कितना नॉइस कंट्रोल ये करता है। तो दोस्तों, आगे चल के इसको भी देखें, अनबॉक्सिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इसका वारंटी कार्ड है। देखिए इस तरह से, ये देखिए थर्मोकोल के रबर बैंड में इसको रखा गया है। वो दोस्तों इस तरह की पैकिंग में इसको लाया गया है। देखिए इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए, ये इसका आईफोन का कनेक्टर है जो कि लाइट केबल के साथ आता है, एक तरफ से सी टाइप में है। इसको साइड में रख देते हैं। और इसकी सी टाइप की डाटा केबल जिससे ये चार्ज होगा, और इसका जो अडेप्टर है हमने अपने पास से यूज करना पड़ेगा, जो भी इसका अडेप्टर है, साथ में कुछ नहीं दिया गया। ये इसकी मैनुअल गाइड है, आप लोग देख सकते हो, साइड में रखते हुए। देखिए इसको अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको देखिए लाया गया है, जो कि ब्लू कलर है इसका, हमने इसमें इसको परचेज किया है। ये देखिए दो माइक इसके दिए गए हैं, और देखिए ये इसका कनेक्टर है जो कि फोन से कनेक्ट होगा। ये सी टाइप का इसका अडैप्टर है। हमारे पास आईफोन 15 है, तो इसको हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे लगा के। देखिए इसकी ब्रांडिंग के साथ, देखिए ग्रे नारो की ब्रांडिंग, देखिए। तो दोस्तों, आगे की वीडियो हम जो भी है इसके साथ बनाएंगे, तो आप लोग खुद देख सकते हो कि कितना वॉइस में फर्क पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें एक बैटरी का सिंबल आ चुका है, ऊपर कनेक्टिंग का सिंबल है। देखिए दोनों कनेक्टिंग का सिंबल आ चुका है। उसके बाद देखिए इसको ऐसे इस तरह से अपने इसके देखिए कमीज के कॉलर पे या किसी कहीं पे भी लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से अब ये कनेक्ट हो चुका है, और इसमें देखिए इस तरह है, दोनों में पावर बटन दिया गया है साइड में। देखिए ये दो पावर बटन है, ये इसका माइक है, देखिए यहाँ पे इसका माइक दिया गया है। वो नीचे की तरफ देखिए उस मैग्नेट टाइप का दिया गया है, जिसे कनेक्ट हो गए चार्ज होगा। देखते हैं इसको एक बार दबाने के बाद, ये बटन इस तरह से देखिए सिंगल बार ब्लिंक होगा, जिससे इसका देखिए जो कि नॉइस कंट्रोल है वो ऑन हो चुका है। उसके बाद फिर अभी सेकंड स्टेज पे चला गया है दोनों माइक, तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से ये यूज करेगा। आप देखें इसमें जो भी वॉल्यूम है, इसके अंदर से हम जो भी बोल रहे हैं वो आप लोगों को साफ साफ सुनाई दे रहा होगा, हम इसको बाद में चेक करेंगे। तो बाकी अभी हम इसको देखो बाहर जो भी नॉइस बार पे जो भी शोर शराबा हो रहा है वहाँ पे जाके इसको चेक करेंगे किस तरह की इसमें आवाज़ में फ़र्क लगता है, नहीं लगता है, कितना नॉइस डिटेक्शन ये करता है। तो आप लोग उसका भी रिव्यू देंगे हम, और कितनी दूरी तक ये अभी काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखिए ऑडियो इसकी आ रही है। देखते हैं ऐसे कहाँ तक इसका डिस्टेंस है जो कि कवर करता है। देखिए कहाँ पे डिस्कनेक्ट होता है, कहाँ तक क्या है, आप लोग देख सकते हो। और अभी जो इसका नॉइस कंट्रोल है मैंने ऑफ कर रखा है लगभग, मैं अभी देखिए यहाँ से कम से कम मैं 10 मीटर दूर आ चुका हूँ, 10-15 मीटर। और देखिए और भी दूर हम भी जाता हूँ मैं, काफ़ी दूर जहाँ तक जा तक सकती है इसकी आवाज़। देखिए आप लोग देख सकते हो,
ये देखिए दोस्तों यहाँ कैसी आवाज़ आ रही है, आप लोग चेक कर सकते हो इसको। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा था। देखिए लगभग बहुत दूर आ चुका हूँ मैं कैमरे से, आप लोग देख सकते हो जो इस टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो आईफोन 15 में हो रही है, और इसके अंदर जो मैंने इसका रिसीवर लगाया है वो सी पोर्ट है, वो सीधा ही डायरेक्ट इसमें लग गया। वो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसका मैं नॉइज़ कंट्रोल भी अभी ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी देखिए दो बार ब्लिंक हुई है इसकी लाइट, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो किसने इसने अपना वॉइस कंट्रोल जो है इसका नॉइज़ कंट्रोल इसने कितना कवर किया। अभी एक सिंगल बार इसने देखी, सिंगल टाइम इसने अभी देखी इसका यहाँ पे, यहाँ दो बार क्लिक किया सिंगल बार, और थोड़ा दूर जाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे अभी देखिए ट्रिपल बार क्लिक करने के बाद इसकी जो स्क्रीन लाइट थ्री है ऊपर साइन अप ऑन हो चुका है। इसके बदले यहाँ पे जो इसका टॉप इसका लेवल हम बोल सकते हैं नॉइज कंट्रोल का, यहाँ पर देखिए पीछे बहुत ही ज़्यादा आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक पे चल रही है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा क्योंकि अभी वीडियो चल रही है तो मैं इसको बाद में देखूँगा। और दूरी की बात करूँ तो मैं लगभग आप लोग देख सकते हो कि कितनी दूरी पर मैं हूँ, कम से कम मैं हूँ 35-40 मीटर दूर आ चुका हूँ, ज़्यादा ही होगा शायद 50 मीटर के आसपास। अभी थोड़ा और दूर जाता हूँ मैं, आप लोग देख सकते हो कितनी दूर तक ये कनेक्टिंग इसकी चल रही है। अभी अभी इसकी जो कनेक्टिंग का रिसीवर इसके अंदर लाइट है वो अभी तक ऑन है। देखो अभी थोड़ा देखो मैं गाड़ी के थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक ये कनेक्ट रहता है। देखो दोस्तों मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, बिल्कुल सड़क पर आ चुका हूँ दोस्तों, इससे ज़्यादा आगे तो देखा आप लोग देख सकते हो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि बहुत दूरी पर मैं आ चुका हूँ, और इसका जो है नॉइज़ कंट्रोल वो ऑन है। तो दोस्तों देखो अभी मैं वापस आ रहा हूँ, इसका देखिए अभी जो थ्री एरो का है दो बार ब्लिंक होने के बाद आवाज़ ऐसी है। अगर इसको लगातार तीन बार मैं इस बटन को दबाता हूँ कि इसमें एरो निशान आ चुका है, और आप लोग देख सकते हो इसका जो नॉइज़ कंट्रोल है कितना तगड़ा दिया गया है। देखिए दोस्तों कितनी दूर से मैं चल रहा हूँ, अभी यहाँ पे देखिए कैमरे के बिल्कुल पास में आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो ये इसका देखिए थ्री एरो का निशान है। इसको जब हम तीन बार क्लिक करते हैं तो हट जाता है, और तीन बार क्लिक करने पे ये ऑन हो गया। वो देखिए आप एक बार क्लिक, दूसरी बार दबाते दो बार ब्लिंक होती है लाइट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने आप लोगों को नॉइस डिटेक्शन पूरी तरह से चेक करके हमने बताया, और देखिए अगर इस बटन को हम दबा के रखते हैं तो ये बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं, इन दोनों का भी हम ऑफ कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी मैंने इसको देखिए बंद करके डब्बे में डाल दिया है, उसके साथ ही अभी जो मैं यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने फ़ोन से वीडियो बनाने के बाद की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया वो सभी मिस हो चुका था, क्योंकि इसका रिसीवर है वो फ़ोन के अंदर कनेक्ट था लेकिन इसमें मेरी आवाज़ नहीं हुई क्योंकि ये डब्बे मैंने डाल दिया था इनको ऑफ करके। थैंक यू दोस्तों, इस तरह के वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।